ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू द व्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट इमिग्रेशन कॉजिंग द हाउसिंग क्राइसिस इन कनाडा। तो रिसेंटली सुनने में आ रही है कि कनाडा की सरकार इज कंसीडरिंग पुटिंग ए कैप ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वीजा द इशू एवरी ईयर, बट इज इट रियली कॉजिंग द हाउसिंग क्राइसिस इन कनाडा और इज इट गोइंग टू हेल्प? तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। स्टार्ट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर कोई इमिग्रेंट इस कंट्री में आता है वो कंट्रीब्यूट क्या करता है कनाडा की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, कनाडा की कंट्री में क्या क्या कंट्रीब्यूशंस करता है, एंड देन वी विल डिसाइड कि भाई क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं या फिर किसके लिए हो रही हैं, ठीक है। तो जब कोई नए इंसान है कनाडा आना होता है, ठीक है, मोस्ट लाइकली दे नो हैव टू फाइल देयर वीज़ा। स्पाउसल वीज़ा हो सकता है, स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है, वर्क वीज़ा हो सकता है, टूरिस्ट वीज़ा हो सकता है, पीआर की एप्लीकेशन फीस हो सकता है, बहुत सारे तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अप्लाई करने होते हैं, वीज़ा शीज़ा लेने होते हैं, तो एप्लीकेशन फीस भरते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो पहला कंट्रीब्यूशन तो हो गया, एंड देन अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसे यू नो यहाँ की कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी होगी, यहाँ पे पैसे भरने होंगे, तो वहाँ पे भी यू नो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है कितना कितना पैसा कमाते हैं। 50 सीटें होती हैं, 100 ऑफ लेटर भेज देते हैं, उसके बाद कई पंगे हो जाते हैं, तो वो सब चीज़ें किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट यू नो यहाँ पे जो कॉलेज इंस्टीट्यूट हैं बहुत सारे लोग बहुत खूब पैसा बनाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट से। एंड देन जब कोई इंसान का यहाँ पे आने का वो प्रोग्राम, ठीक है, तो उसके बाद वो किसी ना किसी कंसल्टेंट को तो मोस्ट लाइकली करेगा, तो कंसल्टेंट्स के पैसे बनते हैं, फिर एयरलाइंस के पैसे बनते हैं जो कनाडा में उनको लेके आती है, ठीक है, वन वे फ्लाइट वगैरह मोस्टली स्टूडेंट्स करवाते हैं, तो उनके भी यहाँ पे यू नो यहाँ पे एयरलाइंस भी पैसे बनाती हैं। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, समबडी यू नो ऑलरेडी लैंडेड हेयर को एयरपोर्ट पे खड़ा, अब वो होता है उसके दिमाग में सबसे पहले कि भाई अब रहने की जगह चाहिए, ठीक है, हमें शेल्टर चाहिए, तो वहाँ पर रेंटल्स वाले पैसे कमाते हैं। अब सबको पता है कनाडा में रेंटल्स कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, मतलब 670 उनकी GST होती है जो उनके घर वालों ने यू नो इंडिया में जमा कराई होती है, हमने हर महीने लेट से काइंड ऑफ पॉकेट मनी उन्हें मिलने वाली है, और 670 में आज के टाइम पर रेंटल मिलने भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो वहाँ पे जिन लोगों की यू नो रेंटल बिल्डिंग्स होती हैं, जो लोग अपने घर की बेसमेंट वगैरह रेंट दे रहे हैं या पूरा घर वगैरह रेंट कर रहे हैं, बेसिकली जो भी बंदे यू नो मोटी सामी है वो काफ़ी पैसा बनाते हैं रेंटल के नाम पर, ठीक है, वहाँ पर भी उनको इनकम जनरेट होती है, तो वो लोग भी पैसा कमाते हैं एक नए इमिग्रेंट से या फिर किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट से। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ दिस सर्वाइवल जॉब, ठीक है। अब एक नया इंसान यहाँ पे आता है, डज नॉट मैटर आप इंडिया में क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, हो सकता है आपने 12वीं पास किया, हो सकता है आपने यू नो PhD कर ली हो या डॉक्टर थे, कुछ भी थे, यहाँ पे आके सर्वाइवल जॉब्स ही मोस्ट लाइकली विल स्टार्ट योर लाइफ। एंड वहाँ पे सर्वाइवल जॉब्स कैसी सी होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं फूड डिलीवरी करते हैं, ऊबर चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा पर्सनली जो सर्दियों में कंधे में बैग उठा के उसमें गर्म गर्म खाना रख के लेके जाते हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर एक फूड डिलीवरी करने के लिए। कितने लोग होंगे जो ये जॉब्स करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग तो नहीं होंगे, राइट। एक इंसान मजबूरी में ऐसी जॉब्स करते हैं जब और कुछ नहीं उसे दिखता, एंड यहाँ पे कोई मिनिमम वेज की भी गारंटी नहीं होती है फूड डिलीवरी जॉब्स में, लेकिन वो स्टूडेंट्स करते हैं, तो वहाँ पे भी यू नो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एंड इकोनॉमी में ही वो लोग कर रहे हैं मदद, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं होंगे फूड डिलीवरी करने के लिए, तो आपकी फूड डिलीवरी करने कौन आएगा अगर ये इमिग्रेंट्स नहीं होंगे, राइट, तो वहाँ पे भी वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड देन इट कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, जब यू नो यहाँ पे आगे जाके PR वगैरह लेनी होती है, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12वीं के बाद आ जाते हैं, अब बड़ी बड़ी सिटीज़ या बड़े बड़े कॉलेजेस में भेज तो देते हैं इंडिया से कंसल्टेंट्स, लेकिन वहाँ पे PR लेनी अक्सर मुश्किल रहती है क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होता है, एंड इतने भी ज़्यादा लीनियंट नहीं है यहाँ पे यू नो इमिग्रेशन के रूल, जितने लोग कई बार सोच लेते हैं कि भाई एक बार आ गए तो वापस नहीं जाएंगे, अगर आपने यू नो थोड़े हाथ पैर नहीं मारे तो वापस भी जाना पड़ सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं छोटे छोटे रूरल कम्युनिटीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे शायद हर एक इंसान ना जाना चाहे, ठीक है। बहुत बार मेरे को कमेंट आते हैं लोग भाई पता नहीं कहाँ का रह रहे होते हैं, ओंटारियो में भी मतलब नॉर्दर्न ओंटारियो में रह रहे होते हैं, टोरंटो बोल के 700-800 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है जहाँ पे ना बंदा होता है ना बंदे की जात होती है, ऐसी ऐसी जगहों पर रहना भाई आसान नहीं होता 2-2 साल ज़िंदगी का अपने बिताने इतनी यंग एज में, एंड आप इंडिया से कोई और इमेज देख के आए तो यहाँ पे कुछ और दिखती है, तो वो एक्सपीरियंस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो उन कम्युनिटीज़ में भी कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, राइट। तो हो सकता है वो वहाँ पे बाद में रहना चाहे, वहाँ पे बिजनेस खोल ले, तो फायदा तो सबको हो रहा है, ठीक है। एंड देन कम्स द लास्ट पॉइंट, ठीक है, जो अभी के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो आ जाता है कि भाई एक बार यहाँ पे इंसान आ गया, लाइफ शुरू कर दिया, वो जिंदगी भर के लिए यू नो यहाँ पे टैक्स पेयर बन गया, अब जिंदगी भर उसने टैक्स पे करना हर एक चीज़ पे, सेल परचेज टैक्स होगा, प्रॉपर्टी खरीदोगे उस पर टैक्स होगा, इनकम टैक्स होगा, बहुत तरीके के टैक्स होंगे, एंड इतने भी कोई लो टैक्सेज नहीं, यहाँ पे काइंड ऑफ हाई टैक्सेज ही माने जाते हैं, तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इमिग्रेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि इमिग्रेंट को कुछ फ्री में मिल जाता है, क्योंकि कई बार होते हैं कुछ लोग मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भाई इमिग्रेंट को तो सरकार फ्री में दे रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, फ्री में चीकू कुछ नहीं मिलता इस कंट्री में, ठीक है, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ फ्री में आपको कभी कोई कुछ नहीं देता, आपको यू नो आप इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो, पहले तो इंडिया में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करके आते हो, इतने ज़्यादा पैसे लगा के आते हो, यहाँ पे आगे भी इतने हाथ पैर मारते हो, उसके बाद कुछ ज़िंदगी में यू नो सक्सेस मिलना शुरू होता है, एंड प्योरली बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, ठीक है, किसी ने आपको कुछ भी फ्री में नहीं दिया, यू हैव अर्नड इट। तो ये सब चीज़ें इमिग्रेंट्स यहाँ पे करते हैं, एंड वर्किंग क्लास इकोनॉमी इस कंट्री की, तो सर्विस सेक्टर जो होता है, इतने सारे इमिग्रेंट्स यू नो तरह तरह की इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल में काम कर रहा है, कोई यू नो फूड चेन्स में काम कर रहा है, कोई बैंकिंग में काम कर रहा है, तो वहाँ पे लोग होंगे तो भाई हमें सर्विसेज मिलेंगी घर बैठे हुए, राइट। तो वहाँ हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर में इमिग्रेंट्स का या न्यू कमर्स का बोलूँ या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बोलूँ, भाई काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है।
पर है, मेरी नज़र में ना यहाँ पे अगर यू नो इमिग्रेंट्स आने बंद हो जाए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने बंद हो जाए, ठीक है, लेट्स से अगर ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ऐसी ऐसी कंट्रीज ने खुले कर दिए इमिग्रेशन प्रोग्राम, भाई आ जाओ जितने आना है ठीक है हम दे देंगे पीआर, अगर ऐसा होने लगे जैसा आज कनाडा की थोड़े से लीनियंट माने जाते हैं बाकी कंट्रीज के मुकाबले, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे आने वाले लोग आधे हो जाएंगे। अगर यहाँ पे यू नो 5 लाख का टारगेट रखते हो, 6-7 लाख लोग आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदर डे आई वाज रीडिंग अ पोस्ट, यहाँ पे बोला गया था कि इस साल इस अकेडमिक ईयर में 9 लाख स्टूडेंट्स आने एक्सपेक्टेड हैं। अगर भाई 9 लाख यहाँ पे आ रहा है कि किसी और कंट्री ने खोल दिया ना, लोग कहेंगे कि भाई वहाँ निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग इमिग्रेशन प्रोग्राम की वजह से आते हैं, भाई इजी पीआर हो जाएगी, बाकी तो लोगों को दूसरी कंट्रीज ही पसंद आती हैं, या फिर वो लोग आते हैं जिनके कहीं और बाई चांस रिफ्यूजल वगैरह लगी होती है, तो वो लोग सेकंड प्रायोरिटी कनाडा को रखते हैं, थर्ड प्रायोरिटी। तो ये सिनेरियो रहता है, पहले तो अगर किसी और कंट्री ने कर दी है ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़े से इजी इमिग्रेशन प्रोग्राम यहाँ पे आने वाले हो गए, लोग कम या फिर बंद हो गए, तो मुझे लगता है 10 साल में तो यहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, लोग 80-90 साल तक बड़े आराम से जीते हैं, बट उस टाइम तक लोग काम पर थोड़ी जाते हैं, दे आर यू नो रिलाइंग ऑन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स कि सरकार उन्हें पेंशन देगी, चाइल्ड बेनिफिट देगी, ठीक है, डिसेबिलिटी बेनिफिट देगी, ठीक है, काम पर नहीं जाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ग्रॉसरी रिबेट मिलेगा, ये सब कहाँ से मिलने वाला। अगर यहाँ पर लोग आने बंद हो गए, पहले तो सर्विस सेक्टर काफ़ी हद तक ठप हो जाएगा, लोग होंगे नहीं भाई ये फूड डिलीवरी जॉब्स पे, तो काम कौन करेगा। दूसरी बात, टैक्स पेयर्स नहीं होंगे, ठीक है, जो जिंदगी और टैक्स के यहाँ पे कटवाने वाले हैं, तो आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक आई मेंशन यू नो जस्ट नाउ, वो कौन आपको देने वाला सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, भी यू नो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, इसके भी चांसेस बन जाते हैं अगर यहाँ पे लोग आने बंद हो जाए, यंग पॉपुलेशन आनी कम हो जाए। तो मेरे हिसाब से इट इज़ लाइक यू नो गिव और टेक, इट्स लाइक एक हाथ में लोगों ने यू नो चीज़ें लोगों को मिलती हैं, एक हाथ में वो देते हैं। अब ऐसा कुछ फ्री वाला सिस्टम मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे कुछ है, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी जिंदगी के वैल्यूएबल ईयर्स देते हो, इतने ज़्यादा पैसे लगाते हो, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो, सब चीज़ें करते हो, सब सिचुएशन से निकलते हो, सेक्रीफाइसेस करते हो जो कोई और नहीं करने को रेडी है, दैट्स हाउ यू अर्न दैट, ठीक है, किसी को कुछ फ्री नहीं मिल रहा, इसके बदले में आपको पीआर दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है, आगे जाके आप यहाँ पे रह सकें, फैमिली के साथ सेटल डाउन हो सकें। एंड यहाँ पे जो लोग पिन पॉइंट करते हैं, जैसे यू नो आई थिंक पॉलिटिक्स में तो काफ़ी सब चलता होगा कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, एक आर्टिकल भी मैंने ऑनलाइन देखा था कि भाई हाउसिंग क्राइसिस इज कॉस्ट बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसलिए उन्हें लिमिट कर दिया जाए। तो भाई अगर पिन पॉइंट करना है, सबसे पहले ये IRCC को नहीं पिन पॉइंट करना चाहिए, जो कहते हैं कि भाई इस साल 5 लाख लोग लेंगे, तो भाई वो लोग क्या सोच के 5 लाख लोगों को बुला रहे हैं, नोइंग दैट दे डोंट हैव फूड फॉर एवरीबडी, दे डोंट हैव शेल्टर फॉर एवरीवन, दे डोंट हैव जॉब्स फॉर एवरीवन। तो मेरे हिसाब से अगर पिन पॉइंट करना है, तो पहले तो वहीं पर हो जाए कि भाई जिस बंदे ने इन्वाइट किया था उनसे पूछा जाए क्या सोच के इन्वाइट किया गया था, एंड पिन पॉइंट करना है अगर हाउसिंग के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिकली तो उनके तरफ किया जाए, जो एक इंसान ने अपने घर खरीद लिया वो 4-5 और खरीद रहे जस्ट बिकॉज दे हैव जनरेटेड वेल्थ, नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई ये घर खरीदेंगे 6 बेडरूम का, हर किसी को रेंट आउट कर देंगे, स्टूडेंट से इतना पैसा जनरेट करेंगे, किसी कॉलेज के आगे जाके प्रॉपर्टीज़ खरीद लेते हैं और वहाँ पर रेंट आउट कर देंगे महंगे में, किसी और के पास ऑप्शन नहीं होगा, कौन 2 घंटे दूर से बस पकड़ के आएगा, लोग सामने रहना प्रेफर करेंगे, सो वील मेक गुड मनी। तो उन लोगों को भी भाई पिन पॉइंट करना चाहिए कि भाई उनकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस हो रहा है, कि हर एक बंदे को यू नो पीपल आर नॉट एबल टू बाय देयर फर्स्ट टाइम होम और बाय देयर यू नो फॉर एवर होम जस्ट बिकॉज समबडी इज यू नो बाइंग मल्टीपल प्रॉपर्टीज इन द मार्केट टू जनरेट सम प्रॉफिट। तो ये सब चीज़ों के लिए भाई बहुत सारे लोगों को पिन पॉइंट किया जा सकता है, तो पिन पॉइंट करना मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। शॉर्ट टर्म आपको शायद ऐसे जरूर देख के लगता हो कि भाई जब इतने सारे इमिग्रेंट्स आ जाते हैं करंट यू नो हाउसिंग मार्केट या फिर रेंटल मार्केट में बोलो, उसके ऊपर इतने ज़्यादा सप्लाई के ऊपर ही डिमांड क्रिएट हो जाती है कि भाई सप्लाई मीट नहीं कर पाते तो प्राइसेज ऊपर चले जाते, दैट्स रियल, ठीक है, ऐसा हो गई। अब आप इतने ज़्यादा लोगों को बुलाओगे जितने तक आपके पास हाउसिंग नहीं अवेलेबल है तो प्राइसेज ऊपर जाने ही, एंड बहुत सारी जगहों पर शायद रेंट कंट्रोल ना भी हो, जैसे कि कैलगरी, तो प्राइसेज तो इनसेनली रेट पे ऊपर जाएंगे एंड हाउसिंग की शॉर्टेज जरूर क्रिएट होगी, लेकिन ये सब चीज़ें यू नो इट्स अ नॉर्मल फिनोमेना, किसी भी इंडस्ट्री में जब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड होगी तो प्राइसेज ऊपर जाते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर फोकस करने ये देखना चाहिए कि भाई जो इनके पास इतना ज्यादा टैलेंट आ रहा है, ठीक है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, यंग लोग आ रहे हैं, स्किल्ड लोग आ रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं हर एक चीज़ पे, ठीक है, यहाँ की सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट चलने के लिए इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पैसा मिल रहा है, लाइक साइड हर एक डिपार्टमेंट पैसा कमा रहा है, तो उन सब चीज़ों को अच्छी जगह पे लगाया जाए, उन सब चीज़ों को एक्चुअली में प्लान किया जाए कि भाई एक बार इंसान यहाँ पे लैंड हो गया, उसने 2 साल का कोर्स भी खत्म कर लिया, अब आगे उसको कैसे फ्यूचर दिया जाए। अब हर एक बंदा आता तो 2-4 शहरों में ही है, कनाडा में इतने ज़्यादा यू नो स्टेट्स या शहर नहीं है जैसे इंडिया या US में होते हैं कि भाई इतने ज़्यादा ऑप्शन कहीं भी चले जाओ, यहाँ पे ऐसा नहीं है, लोग अक्सर 4-5 शहर कोई टारगेट करते हैं, तो भाई अब उससे बाहर भी निकल के थोड़े से शहर डेवलप किए जाए, वहाँ पे भी लोगों को भेजा जाए, वहाँ पे थोड़ी सी फैसिलिटीज़ दी जाए, कुछ यू नो पर्क्स या इंसेंटिव्स दिए जाए वहाँ पे रहने के लिए, लोग वहाँ पे रहना पसंद करें, वो सिटीज़ भी डेवलप करें, क्योंकि लैंड इतना ज़्यादा है, गिनती की पॉपुलेशन है, एंड उसके बाद भी यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस होता है तो समझ नहीं आता कि कैसे हो रहा है, क्योंकि लिटरली अगर आप कैलगरी से 30 मिनट आगे ड्राइव करोगे ना, तो भाई एडमिंटन तक का जो 3 घंटे का रास्ता है खेत ही खेत है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है ज़मीन खाली पड़ी हुई, लेकिन फिर भी कैलगरी में इस टाइम ओवर आस्किंग चल रहा है, सब कुछ बिडिंग वॉर चल रही है, यहाँ पे भी हाउसिंग क्राइसिस अनाउंस हो गया है, तो सब चीज़ें सोचने वाले हैं कि यार आपके पास जो पैसा है जो टैलेंट है उसे अच्छी
चीज़ में लगाया जाए, अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग आते रहते हैं, इमिग्रेंट्स की अक्सर पसंद रहती है कनाडा एज ए डेस्टिनेशन, बट उनको भी भाई आगे फ्यूचर देखना चाहिए यहाँ पे, उनको भी फ्यूचर दिखता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है, उनको आप फील कराएं सिक्योर फ्यूचर है यहाँ पे, यू नो हाउसिंग वगैरह के लिए आप देखें क्या बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, जो ग्रॉसरी प्राइजेस में आजकल मोनोपोली चलती है, मतलब बेसिकली होता है यहाँ पे कि मार्केट में नाम बहुत सारे होते हैं लेकिन वो सब यू नो उनकी जो पेरेंट कंपनीज होती हैं वो एक ही होती हैं, तो वो डिसाइड करती हैं प्राइजेस के रहने वाले फूड के। सेम गोज फॉर टेलीकॉम, वहाँ पे भी ऐसा होता है, जैसे कि आई थिंक फाइडो को ऑन करता है रॉजर्स, वर्जिन को ऑन करता है बेल, तो अब तो रॉजर्स एंड शॉ का भी मर्जर हो गया, तो दीज आर ऑल यू नो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग कंपनीज, तो यहाँ पे जब कंपटीशन कम रहता है तो मोनोपोली ज़्यादा रहती है, तो वही प्राइस रेट सेट करते हैं हर एक चीज़ के, ठीक है कि भाई कितने पे क्या चीज़ें बिकेंगी, और लोगों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थोड़ी बढ़िया होनी चाहिए कि भाई क्या यूटिलाइज कैसे करना है, एंड इंस्टेड ऑफ यू नो गिविंग अवे मनी टू अदर कंट्रीज, वो सब चीज़ें भी ठीक है, उनकी अपनी जरूरत होती है, बट भाई पहले अपनी कंट्री पे फोकस करो, क्योंकि बहुत सारी यू नो आजकल न्यूज़ में आ रहा है जो यूक्रेन लोगों को इन्होंने यहाँ पे बुलाया था, यूक्रेनियन लोगों को, ठीक है वॉर के दौरान, अब वो वापस जा रहे हैं, कह रहे भाई यहाँ पे बहुत महंगाई है, सड़कों पर सोना पड़ रहा है, हमें नहीं यहाँ पे रहना, यूक्रेन ही ठीक था, तो वो वापस जा रहे हैं, तो सब चीज़ें समझने वाली है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ना आगे का भी हमें सोच लेना चाहिए, पहले एक दो साल तो ठीक है हर एक बंदे को पता होता है सेक्रीफाइस करूँगा, लेकिन जिंदगी भर दिखने लग जाता है कि भाई जॉब पर जाता रहूँगा, जिंदगी भर रोता रहूँगा, पैसे नहीं है, कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा, इसलिए लोग इधर उधर निकलने की फिर कोशिश करते हैं, कुछ लोग इंडिया चले जाते हैं आजकल, तो बस यार ये सब चीज़ें जो कि मैं शेयर करना चाहता था, मैं चाहता था कि भाई आपको पता चले कि ये जो हाउसिंग क्राइसिस है या फिर जो बोला जा रहा है इमिग्रेंट के ऊपर, वो क्या सिनेरियो, क्या नहीं है, क्या रियलिटी है। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसे आपको दिल करे, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।